वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आलस अग्रवाल की बुक से, गाइस न्यू एडिशन से, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 67। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपने नहीं किए चैनल पर अवेलेबल है अदर चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल है गाइस। सभी लास्ट आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर तक के सभी के सॉल्यूशन अवेलेबल है, वो भी न्यू एडिशन के, राइट। एंड अगर आपको एनसीईआरटी के पीडीएफ के सॉल्यूशन चाहिए, सो गाइस एनसीईआरटी पीडीएफ जो है सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, वो आप प्रिंसेस एजुकेशन ऐप पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक अवेलेबल है, सो नीचे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करेंगे। एंड एक और थिंग, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको सभी जितने भी चैप्टर्स हैं न्यू एडिशन के आलस अग्रवाल के अपलोड कर दिए गए हैं। सो बिना किसी टेंशन के सारे सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, राइट। सो आइए क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 67, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 65, 66 पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सो गाइस यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको आई होप दोनों मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो दोनों ही मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूमिंग वाला, आप 4x-3/2x+1 सेम यहाँ पर बिकॉज रिवर्स है, सो इसलिए जब इस कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, किसी एक अदर नंबर के, किसी एक अदर वेरिएबल के एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज वाई हमें वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ से y-10/y=3 रह जाता है, इसको हम 1/y लिखेंगे। सो गाइज यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो y²-10=3, राइट। नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, y²-10=3y, सो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y²-3y-10=0, राइट। नाउ इसको सोल्व करेंगे, 10 कैसे फैक्टर कीजिए, 10 कैसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करें 10 आए, बट एड सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए, 5 × 2 = 10, 5 − 2 = 3 होता है, तो यही अप्लाई होगा, 5y²-3 के रिप्लेस में 5 − 2 रख दीजिए, -y × 10=0, राइट। तो y²-5y-2y-10=0। सो जल्दी से कॉमन लीजिए, इनको पेयरिंग कीजिए। सो गाइस जब हम पेयरिंग करेंगे, y(y-5)+2(y-5)=0, राइट। तो यहाँ से हमारी y की दो वैल्यू आती हैं, एक तो आती है आपकी y+2, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं, (y-5)=0, y+2, ठीक है। तो जब हम y+2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y = -2, एंड जब y-5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y = 5, दैट मीन्स दो वैल्यू हमारी y की यहाँ से आ जाती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जिसे हमने एज्यूम किया था y के इक्वल एज्यूम किया था ना, किसको, 4x-3/2x+1 को, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 4x-3/2x+1 को एक बार आप -2 के इक्वल पुट कीजिए, राइट। एंड 4x-3/2x+1 इसको एक बार हम 5 के ऊपर पुट करते हैं, ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वही आपका x का सॉल्यूशन होगा। सो 4x-3 = -2 × 4x एंड -1। नाउ 4x-3 − 4x − 10, बिकॉज लेफ्ट साइड में आया तो साइन चेंज हो जा रहे हैं, (=0). सो 8x-3 + 1 कितना हो गया गाइस, आपका 2 हो गया, राइट। सो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2 × 1 = 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, -2 आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप -2 लिखिए, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो -3 एंड +2 कितना हो गया आपका, -1 हो गया, राइट। सो इसको इरेज कर दीजिए, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए -1, ठीक है, (=0), राइट। तो इस तरीके से गाइज ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ -1, राइट, तो 8x = 1, दैट मीन्स x = 1/8, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ 4x-3 = 5 × 10x + 5, राइट। नाउ 4x-3 - 10x - 5 = 0,
राइट, 4x और माइनस 10x कितना हो गया, माइनस 6x हो गया, एंड यहाँ से आपका माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, सो माइनस 6x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 अपॉन माइनस 6 या फिर माइनस 8 अपॉन 6 कह सकते हैं. सॉल्व कीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो माइनस 4 अपॉन 3, राइट. तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ गई, सेकेंड वैल्यू, वो कितनी आ गई, x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 3 आ गई, x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 3. ठीक है, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 4 अपॉन 3. तो सो दिस इज द सॉल्यूशन बाय द फर्स्ट मेथड, राइट. बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. आपको सेकंड मेथड भी जानना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है, नहीं मैम हम लोग को ये क्वेश्चन इस मेथड से करना है, सो प्लीज सेकंड मेथड भी बता दीजिए. सो यहाँ पर मैं आपको सेकंड मेथड भी साथ-साथ गाइस एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आप इजीली दोनों मेथड अभी सॉल्व कर लीजिएगा, अभी क्वेश्चन को समझ लीजिएगा. सो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं. फर्स्टली हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 हम सॉल्व कर रहे थे. 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 राइट नाउ माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3 इक्वल्स टू किसके गिवन है, 3 के, एंड आपको गिवन है x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 4. यही है ना क्वेश्चन गाइस आपका. सो आइए हम डायरेक्टली जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग. ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 3 राइट. तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 राइट. नाउ आगे सॉल्व करते हैं, 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24 माइनस 24x राइट. नाउ माइनस 10 इंटू 2 टू जा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टू जा 4x अपॉन 4 टू जा 8x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 3 राइट. नाउ 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24x माइनस 40x स्क्वायर माइनस 10 एंड माइनस प्लस माइनस 40x अपॉन 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3. ठीक है, सो आई होप गाइस आपको इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं. नाउ शॉर्ट करते हैं कैलकुलेशन को, 16 एंड 40 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24x स्क्वायर. ठीक है, नाउ माइनस 24 एंड माइनस 40 दोनों ही माइनस के साइन है, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस 64x एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 राइट. नाउ माइनस 24x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 1 इक्वल्स टू 24x स्क्वायर माइनस 3 टू 6x माइनस 9. ओके, नाउ लेफ्ट साइड ले आइए सारी वैल्यूज, माइनस 24x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 1 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 0 राइट. नाउ गाइस माइनस 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस 48x स्क्वायर. ठीक है, माइनस 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 58x एंड माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल्स टू 0. अब एक सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इसमें आप सभी इवन नंबर देख रहे हैं, 2 आपका कॉमन आ सकता है, जितना भी शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाए ना उसको शॉर्ट कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24x स्क्वायर माइनस 2 टू ज 4 2 9 ज 18 एक्स प्लस 2 4 ज 8 इक्वल्स टू 0. 2 इधर जाएगा 0.2 में, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा. ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, माइनस 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 4 इक्वल्स टू 0.2. 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा. नाउ फॉर फैक्टर कीजिए, 24 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
राइट 96 के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करें तो आपका 96 ही आए, बट एड ये सम करें तो 29 आए. ठीक है, तो हम देखते हैं 32 सीजा कितना होता है, 96 होता है, 3 2 6 थ्री जा 9, राइट. एंड 32 में से 3 माइनस करें 29 ही आता है. ओके, सो ये हमारे फैक्टर पॉसिबल है, यानी कि 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 माइनस 3 लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट. नाउ माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट. अब गाइस आता है इसमें जो हम को पेयरिंग करेंगे, कॉमन लेंगे वो वाला फैक्टर. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है. तो 8 3 24, 8 4 32, तो 8 कॉमन आ गया, x कॉमन ले लिया, तो 8 3 24 माइनस 8 4 32 प्लस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 लिख लेंगे, दैट मीन्स सॉरी यहाँ माइनस होते यहाँ प्लस हो जाएगा, बिकॉज दोनों में से माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ दोनों में से 3x प्लस 4 आपका कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, माइनस 8x प्लस 1 रह जाएगा इक्वल्स टू 0, राइट. कंसेप्ट क्लियर है इतना. अब 3x प्लस 4 को फर्स्टली हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, एंड सेकेंडली यहाँ पे माइनस 8x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. सो गाइज, अब आप जब 0 के इक्वल पुट करेंगे, सो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, माइनस 4 अपॉन 3 आ जाएगा, एंड यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 1, सो x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 8, दैट मीन्स वी कैन से 1 अपॉन 8. सो x इक्वल्स टू 1 तो आपका आंसर आ गया माइनस 4 अपॉन 3, एंड सेकेंड आंसर आ गया आपका 1 अपॉन 8. सो दीज आर द टू आंसर बाय द सेकेंड मेथड. सो आप देख सकते हैं गाइज, यही आपका फर्स्ट मेथड से सॉल्यूशन आया था, 1 अपॉन 8 एंड माइनस 4 अपॉन 3. ठीक है, यहाँ से भी आपका सेम आंसर आया है. सो दीज आर द टू मेथड जिससे कि आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. जो भी आपको बेस्ट लगे उसी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, एंड मेनली फर्स्ट मेथड ही अप्लाई कीजिए, बिकॉज फर्स्ट मेथड इज इजी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी है. सो गाइस, इस तरीके से सभी सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशंस एमसीक्यूज के भी अवेलेबल हैं, अदर चैप्टर्स के भी, न्यू एडिशन के सभी अवेलेबल हैं. एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन देखना है उसकी पीडीएफ फाइल प्रिंस एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, एंड और भी बहुत सारा कंटेंट आपका वहाँ पर अवेलेबल है. सो डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड गाइस सभी चीज़ें देख लीजिएगा. ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.